Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, आज के episode में हम बात करने वाले हैं total धमाल के box office prediction के बारे में और उसके audience occupancy के बारे में in the country of India for its fifth day मेरा भाई. Yes मेरा भाई, आज एक Tuesday था और आज भी total धमाल रुकने का नाम नहीं ले रही. Morning की occupancy लगातार उसी बराबर है जिस बराबर Monday की occupancy थी. दोपहर में थोड़ी फिल्म गिरी लेकिन रात होते होते यानी कि 8:30 बजे तक जो डेटा मेरे पास आया है वो होते होते इस फिल्म ने वापस से पेस पकड़ा. एंड गाइस, कल का जो फिगर आने वाला है वो भी धमाल मचाएगा. वेल फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. वेल फ्रेंड्स, सुबह जहां मंडे को 25-30% ऑलमोस्ट 25% की ऑक्यूपेंसी से फिल्म चल रही थी, वहां पर ट्यूजडे को भी वही लेवल पे फिल्म ने शुरू किया. क्योंकि गाइस, वीकडेज में यूजुअली द मैक्सिमम चंक ऑफ द ऑडियंस हु वॉचेस सच कॉमेडी मूवीज आर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु बंक कॉलेजेस. यस मेरा भाई, अब बंकिंग करना सही बात नहीं है लेकिन गाइस, फिल्म तो देखनी है उनको, तो ऑब्वियसली सुबह के जो शोज रहते हैं यूजुअली कॉलेज के टाइम में यूजुअली हाउसफुल हो जाते हैं ऐसी फिल्मों के दौरान. कॉमेडी फिल्में ग्रुप के साथ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ देखना उनको पसंद आता है, इसी कारणवश सुबह की ऑक्यूपेंसी जबरदस्त. दोपहर होते होते सब घर चले जाते हैं, ऑक्यूपेंसी फिर डिप होती है. शाम होते होते वापस परिवार निकलते हैं फिल्म देखने के लिए. लेकिन गाइस, जो डिप देखी गई ऑक्यूपेंसी की दोपहर में वो 30% की थी, यानी कि बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं दिखा गया. इसी के कारण वर्ष जो कलेक्शन है ट्यूसडे का यानी कि इसके जो पांचवें दिन का वो बहुत बुरा तरीके से मार खाएगा. वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके रात के शोज की मेरे भाई, यानी कि 6 बजे के बाद की. तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने मिली, ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ देखने मिली. यानी कि एक मल्टीप्लेक्स में 50% ग्रोथ होने का मतलब ऑलमोस्ट कलेक्शंस आ गए हैं आज के दिन के. क्योंकि ऑब्वियसली गाइस, इसके जो प्राइजेस है टिकट्स के टोटल धमाल के वो यूजुअली जो बिग टिकट मूवीज है उसकी तरह बढ़ाए नहीं गए हैं. रीजनेबल प्राइजेस वीकेंड्स में थे और उससे घटाकर और कम प्राइजेस जो प्राइस कैप में प्राइजेस रहता है वो वीकडेज में चल रहा है फिलहाल. तो गाइस, जस्ट इमेजिन अगर एक फिल्म के भाव बढ़ा दिए होते तो अब तक ये फिल्म 100 करोड़ चली जाती. लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है टोटल धमाल का जो डे 5 का कलेक्शन होगा वो तकरीबन 8 से लेकर 8.5 करोड़ तक रहेगा. यस मेरा भाई, मैं ज्यादा ऊंची छलांग नहीं मारता हूँ यू नो प्रेडिक्शन में, क्यों मुझे पता है फिल्म कितना जाएगी कितना नहीं जाएगी. फालतू में भी बोल के आप लोगों का दिल उदास हो जाएगा. यू नो एक बड़ा अमाउंट देके वो सब नहीं करना है. 8 से 8.5 करोड़ कमाएगी अगर वो भी कर देती है तो टोटल धमाल मेरा भाई बहुत अच्छी बात होगी. फिल्म अच्छा सस्टेन कर रही है बॉक्स ऑफिस पे और अगला वीकेंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस. दो फिल्में आ रही है लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं है मेरा भाई. ओके, लेट्स सी क्या होता है अगले हफ्ते. क्या ये फिल्में जो यू नो अभी आने वाली है अगले हफ्ते इंक्लूडिंग द सोन चिड़िया, तो क्या वो इसके सामने चल पाती है नहीं चल पाती, क्या लुका छुपी इसके सामने टिक पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा. क्या टोटल धमाल धमाल मचाती है. वेल फ्रेंड्स, कल मैं आपके सामने आऊंगा इसके ऑफिशियल फिगर्स लेके. लेट्स सी क्या ये 8 या 8.5 करोड़ के बीच में कमाती है नहीं कमाती. अगर आपने टोटल धमाल नहीं देखी है, इंतजार कर रहे हो किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के रिव्यू के लिए या फिर यू नो टीवी पे देखने के लिए या फिर डाउनलोड करके, डोंट डू दैट मेरा भाई. बड़े पर्दे पे जाइए, देखिए, अपने परिवार को ले जाइए, छोटे बच्चों को ले जाइए, बुक करिए टिकट्स. एपिसोड पसंद है उसके लिए कुछ नहीं करना, फ्री है सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना से एपिसोड को लाइक करो. सिमियावर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल वन.